आए? 7-8 पराठे हैं। बाल आई भाई, सड़ गए। सड़ गए। तो देखिए नाज़रीन कैसी चस आ गई जनाब। अगर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज सीन कुछ ऐसा है कि मेरा कज़न आ रहा है पंजाब से, इम्तियाज़ खान। तो पहुँचने वाला है अभी, हम मैं जा रहा हूँ स्टेशन पे उसको लेने, लांडी के जाना है लांडी स्टेशन। वो पहुँचने वाला है, मैं भी बस निकल रहा हूँ। तकरीबन आधे घंटे में वो भी पहुँच जाएगा और मेरे को इतना टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से टाइम लगेगा और आराम आराम से जाऊँगा। तो आज आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह उसको वेलकम करते हैं कराची में। तो चलो चलते हैं, उसको ले कर आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ऐसे कुछ सेकंडों में। मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं, पार्किंग बाइक खड़ी कर दी है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कितना देर में पहुंचता है भाई। और ये इम्तियाज़ वही है, बल्कि फिर बताऊंगा जब वो पहुंच जाएगा उसके सामने, उसकी बेइज्जती करूँगा फिर मज़ा आएगा। तो अकेले में आपको पता, उसको पता ही ना चले और बेइज्जती हो जाए, फ़ायदा नहीं है। तो नाज़रीन आप साथ रहिए और थोड़ी देर में बस वो पहुँचने वाला ही होगा, तो आप साथ रहिएगा हमारे। ये सीढ़ी चल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो ट्रेन आएगी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो मैं वहीं जाने की कोशिश में हूँ। तो बस कुछ ही देर में हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे, आप रहिएगा साथ हमारे। तो मिलते हैं कुछ सेकंड्स बाद। मेरे को आया हुआ थोड़ा सा टाइम तो हो गया लेकिन नहीं आया, अभी तक नहीं पहुँचा। एक ट्रेन आ तो रही है, पता नहीं वो कौन सी है, शायद आपको दिख जाए। चलो पुल्ली से पूछते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है, उसने आना है पार्क बिजनेस पे, तो देखते हैं कब तक आता है वो। और नाज़रीन आप उस साइड पे रश देखिए कितने। तो नाज़रीन ये थी तेज़गाम, तेज़गाम है दूसरी नहीं है। मैं बोला अगर आ गई है तो शायद टाइम से हम फ्री हो जाएं, लेकिन अपडेट भी इसकी ये आई। चेक करें नाज़रीन, तेज़गाम पहुँच चुकी है। ये बेचारे पाली होगी क्योंकि सारे पंजाब में ईद करने जाते हैं, ये कराची आ गए, अफसोस ही कर सकते हैं। चलो वेट ही कर रहे हैं जनाब उसका, और क्या कर सकते हैं। देर हो चुकी है, अभी तक नहीं आए इम्तियाज़ भाई। अब बता रहे हैं कि 10 मिनट का सफ़र रह गया, और अब देखो कितना टाइम लग रहा है। पुलिस वाला डंडे मार रहा है बिना शुक्र है मास्क में ले आया, उस साइड एडवांस ज़्यादा थी, उनको पहले लगे हैं। अब मेरी बारी आनी थी लेकिन मैं तो पहले अकेले बैठा हुआ था, उसके बाद मास्क भी मेरे पास था। चलो मज़े करें, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है स्टेशन पे आज बड़े दिनों बाद। वो देखे ना देखें पुलिस वाला डंडे मार रहा है। चलो अच्छी बात है, ऐसो पीस का ख्याल नहीं रखते ना, रेंजर्स भी आई हुई है मज़े। नाज़रीन इम्तियाज़ की ट्रेन पहुंच चुकी है पाकिस्तान, पाक एक्सप्रेस। चाचू भी आ गए हैं बीच में भाई, मुझे बताओ देते हुए। ये आ गई नाज़रीन ट्रेन, ये आ गई। तो अब देखते हैं बोगी नंबर 11 कहाँ पर है। चार, पाँच, छः, तो चलो नाज़रीन देखते हैं कहाँ मिलते हैं ये या कुछ। तो नाज़रीन इम्तियाज़ से उतर आया जी, आओ जी, आओ जी। कब से यार आपका हम वेट कर रहे हैं यार, बहुत लंबा सफर था। आपको पता चला, ये देखें नाज़रीन चूड़ा मुसल्ली होके पहुंच चुका है। इनको आज पता चलेगा कि हम लोग कितना ले ऐसी हालत में क्यों पहुंचते हैं पंजाब। आपको बहुत मुश्किल है, मैं दोबारा नहीं आना पसंद करूंगा। हालांकि ट्रेन में बंदा थकता नहीं है, आपको पता है इस बात का, थकता नहीं है। अच्छा ये वही इम्तियाज़ है जो हम आपको हमारी पुरानी वीडियो में, जो कैमरा मैन था, जैसा कि वो मिरासियों की वसीयत, उसके बाद बख्खो की शादी, ये उसमें कैमरा मैन था, ये वही था जो वही हिलाता होगा, हाँ आपने देखा होगा। तो नाज़रीन अब पहुंच चुका है, अब हम करेंगे कोई शुगल मेला, अभी जाएंगे घर पे, वहाँ जाके इसको नाश्ता वाश्ता कराते हैं। ये इम्तियाज़ भाई पहुँचे हुए हैं कराची, निकल गए आई तो हेलो आई हेलो भाई कैसे हैं सब सब पहुँच देख रहे हैं नाज़रीन बच्चा पहुँच गया है कराची। कैसा लगा आपको कराची? कराची बाहर गए यार बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो सफ़र था कराची का वो बहुत मुश्किल था यार, उस सफ़र ने ना मार डाला। और अभी चली गई है लाइट, आए हाय क्या हम लोग तंग हुए पड़े हैं। अभी आए हैं चौक पर, आप हालत चेक करें, ऐसे बैठे हैं ना, हमने बोला थोड़ी सी वीडियो शूट कर लें, हम आपको बता दें कि लाइट चली जाए कराची में तो उफ अल्लाह, बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, बहुत बुरे हालात। क्या लाइट हमेशा ज़्यादा गर्मी यहाँ कराची में बढ़ती है, और जब से मैं कराची में एंटर हूँ उस टाइम से लेके अब तक बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। गर्मी तो माशाल्लाह कराची में ऐसे है ना पूछे कुछ नहीं, जैसे पंजाबी बोलते हैं ना, आई दियो लोहारा के घर चढ़े हैं। इंजीनियर कराची हमेशा लोहारा के घरों ही दियों चलता है, चढ़दा है, सॉरी चलता नहीं चढ़ता है। हाँ इंजी यार गल लेते नाज़रीन इम्तियाज़ नाल है, इंशाल्लाह तुसा नाल नाल रहना है, उन्हें आर फुर या वैसे राती तो नहीं मिल सही हैं।
शुगर मेले कर सी तो आज ना जो रौला चल रहा है वही मुक सही है तो बड़ा मजा आने वाला है इंशाल्लाह तुसे नाल रहना है तो कल तो फिर सारे की छुट्टी जो है तकरीबन शाम के 5:30-6 हो गए हैं और हम लोग जाग गए हैं अभी नीचे आए हैं खुरम के पास इम्तियाज़ भाई को हम आज लेके आए हैं गंदी गली में। ये हमारी ना कराची की गंदी गली बोला जाता है इसको, तो चेक करें कैसी है। बस चलती है ऐसी गली तो अच्छी है। एक बात है, शहर कराची वेरी नाइस यार, इतना बुरा भी नहीं है जितना सुना था इसके बारे में। ये आपका जो गोल्डन टाउन है ना, ये तो वेरी नाइस भाई। गोल्डन टाउन की क्या ही बातें हैं, गोल्डन टाउन जिंदाबाद है। तो नाजरीन इम्तियाज़ भाई अभी हमारे साथ ही हैं, ईद तक तो हम इसको कहीं नहीं जाने देते, यहीं घुमाए फिराएंगे कराची में। ईद के बाद वापस जाने की सोच रहे हैं, अब आगे देखो क्या करते हैं इंशाल्लाह। ईद का हम आपके साथ ही रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे यहाँ पे। बकरा ईद पे मैं तो कहता हूँ पंजाब चलेंगे बुल्लो इकट्ठे। ईद तक नहीं, सिर्फ ईद तक। अब खुरम का वेट कर रहे हैं। खुरम गया ऊपर, खुरम आता है नीचे, तो आपसे भी मिलवाते हैं। बड़े अरसे बाद खुरम को भी लोग मिले कहते हैं, लेकिन खुरम शर्माता बहुत है। तुमने जितनी बातें की हैं उतनी खुरम कर दिया है। खुरम आ गया, खुरम आ गया, खुरम भाई वेलकम, खुरम भाई। ये देखे नाजरीन, खुरम डरा हुआ है, ये देखे खुरम भाई, खुरम भाई यार बात तो करो, इधर आओ। हाय ना खुरम भाई, खुरम भाई बात सुन। आए तो सही, इधर तो है ना जना खुरम भाई, एक मिनट बात सुने खुरम भाई। ये देखे नाजरीन, बहुत शर्मीला बच्चा है हमारा, हमारी पूरी फैमिली में ना बहुत शर्मीला बच्चा है, लड़कियों को भी क्रॉस कर गया ये बच्चा। नाजरीन सारी गैदरिंग हमारी इकट्ठी होगी, आरिफ रह गया, सुन रहे हैं ना, वही सुना रहा हूं। आरिफ भाई रह गए। अच्छा बात पता है, मैं भी क्या सुनाने लगा था, हमने यहाँ पे खेला पार्सल चंबे मारने वाला, पार्सल पहुंचा ही नहीं था यार से तक, अभी पार्सल पहुंचा ही नहीं था यार से। क्या बोलता, क्या होने लग गया तुम्हें, मेरे को दर्द होने लग गया मेरे को दर्द मेरे मुझे दर्द होने लगा, मारने लग गया इसको, पहले मारने लग गया। तो नाजरीन बड़ा मजा आ रहा है, अभी आरिफ आता है तो फिर वीडियो पूरी शूट करते हैं, आप साथ रहिएगा। नाजरीन हम आ गए दोबारा, और अभी हमने लिए आलू वाले पराठे और कुछ सादे पराठे। तो आज बैठने की जगह तो थी नहीं, हम लोगों ने अपना हिसाब बना लिया है, हम आए हैं बाहर पटरियों पे, वहाँ टेबल वगैरह लगा के और खाने लगे हैं इम्तियाज़ भाई की फरमाइश पे। इम्तियाज़ भाई आज आपने पराठे खाने और आपने बताना है कि कैसे लगे हैं आपको। वो आगे चल रहे हैं, यासिर भाई की याद में पराठे हैं, तो आप लोग चेक कीजिए कि कैसे भैया भी बने हैं। और ये जो मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है साथ लाइट का भी, अंधेरा है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। नाजरीन ये देखिए आप, हमारा हिसाब शुरू हो गया है पराठे वगैरह। आज लॉकडाउन की वजह से ना, लॉकडाउन है ये, इसकी वजह से ऐसे करना पड़ रहा है। ये हमारे पास बैठा है, ये मेहमान नवाजी भाई, ये इसकी मेहमान नवाजी हो रही है। इम्तियाज़ भाई आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने पराठे इतने फर्स्ट टाइम आया हूं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए नाजरीन, आरिफ भाई आप सुना है, बहुत बुरा आरिफ के पैसे लगे हैं ना ये यार, बोतल ऊपर रखो, बोतल भी बाम को पता चले साथ है। ये देखिए नाजरीन बड़ा मज़ा आ रहा है, जिस जिसने खाने हैं वेलकम, वो नहीं आए, 7-8 पराठे हैं, बाल आई भाई सड़ गए सड़ गए। तो देखिए नाजरीन कैसी चस आ गई जनाब, अगर यहाँ पे आ गए ना पुलिस, अगर यहाँ पे आ गई पुलिस, ये देखिए तो ये देखे नाजरीन बड़ा मज़ा आ गया। तो चलो नाजरीन खा के मिलते हैं। पराठे हमारे खत्म हो गए हैं, लाइट हमारी मर चुकी है, बंद गई है। क्यों बगे मेरे बेचारा कोई ना भी आ। ला ला भाई, ये यासिर भाई भी साथ है, ये यासिर भाई भी साथ हैं। तो नाजरीन बड़ा मज़ा आया है, अभी बोतल यासिर भाई बांट रहे हैं, साफ कर लो, हाथ साफ कर लो आप मेरे से, कर लो साफ, कोई ना खुरके ना बैठा, काम चेक करें इसका, ए बादशाह हट गया मुँह मेरी तस्वीर में, चाय भी खाई नहीं, ये ले ना। तो नाजरीन पराठे हमने खा लिए, बड़ा मज़ा आया है, तो आज का व्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या हुआ, बात करनी है, कर लो। मैंने एक बात करनी है, तू जो कह रहा है इतने पराठे आए ये वो है, कौन खा, कितने 4 पराठे थे सारे, 3 तो ये चक गया है, 3 एक काम लोगों ने खाया, मैंने खाया नहीं, ये चक अभी अभी तो चक है, चक है आज, नहीं तो मैं चक के आए बड़े और तुझे ये पहले तुझे मुका छोड़े, हां तो बोतल मैंने दीती का इन्होंने। तो नाजरीन बड़ा मजा आया माशाल्लाह आज के व्लॉग में, अभी नहीं पीवन वास्ते इम्तियाज भाई आप बोलो लास्ट में, चैनल सब्सक्राइब करो, और कैसा मजा आया आपको? मजा आया, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन ये ट्रेन की पटरी के साथ बैठ के खाना खाने का अपना ही मजा है। हाय हाय पसीना देख कितने छुवरनो, पसीना देखिए नाजरीन, ये भाई कराची ने शाट भाई भी है, मैं बोतल पार गिलास भर के दिए, भरा हुआ गिलास देख, अच्छा अपने लिए बचा रहा था,
खोखे दे मुंह वाला मजा आ गया नाजरीन। तो चलो नाजरीन आज का ब्लॉग करते हैं खत्म, एंड में चैनल सब्सक्राइब लाजमी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।